हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आइडिया का एमबी चेक किया जाए। यानी आइडिया का, अगर एक यूजर हैं तो आप चाहते हैं कि मैं आइडिया का कैसे एमबी चेक करूँ, या बहुत सारे ट्रिक अपने अपना लिया। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किस प्रकार से और कैसे आइडिया का एमबी चेक हो जाता है, बहुत परेशान हो गया नेट पर, मतलब गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर करके थक चुके हैं, तो इस वीडियो को देखिए पूरी लास्ट तरह से। तब आपको एकदम 100% कह रहा हूँ कि मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वीडियो समझ में आ जाएगी और किस प्रकार से एमबी को चेक किया जाता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से आप वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगी कि कैसे और किस प्रकार से एमबी को चेक किया जाता है, यानी डाटा आपका है तो कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि बहुत लोगों ने बताया, बट क्या हुआ कि अब नया नया रूल आ चुका है, हमेशा इसका चेंज होता रहता है कि कैसे और किस प्रकार से एमबी को चेक किया जाता है। तो इस वीडियो को, अगर आप आइडिया के यूजर हैं, अगर आप आइडिया का एमबी चेक करने वाले हैं यानी चेक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना ही स्किप किए हुए देखिए। अगर आप आइडिया का एक यूजर नहीं है तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप पहले ही इस वीडियो को बंद कर दीजिए, यानी आपका टाइम वेस्ट ना कीजिए और ना ही अपना एमबी का वेस्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप आइडिया के यूजर हैं तो पूरी लास्ट तरह से देखिए बिना ही स्किप किए हुए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप एक आइडिया के यूजर हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आइडिया लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे डबल सिम इसमें लगता है, बट मैं एक ही सिम लगाया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडिया IDE यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अभी एक ही से बताऊँगा, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और बाकी जो है मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पर नंबर 2-4 दे दूँगा, जिससे कि अगर आपको एक नहीं काम कर रहे हैं तो मतलब कि 2-4 मैं दे दूँगा, जिससे कि क्या होगा कि मतलब 2-4 जो नंबर रहेंगे, मैंने कोड कुछ रहेंगे, कम से कम 5-7 मैं दे दूँगा उस पर। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आप जानते हैं कि कैसे डिस्क्रिप्शन में चेक किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जाकर के वहां से आप चेक कर लीजिएगा। मैं 2-3 दे दूंगा नंबर और या कोड दे दूंगा कि कैसे और किस प्रकार से चेक किया जाता है। चलिए मैं अभी इसको एक से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूं कि कैसे और किस प्रकार से अभी चेक हो रहा है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे मैं अभी *1 2 5 उसके बाद हैच पर क्लिक करना होगा, यानी 125 125। तो पहले क्या करना होगा, फर्स्ट में लिखना होगा *125 यानी 125 यानी 125, और उसके बाद लास्ट में क्या करना होगा, हैच का यहाँ पे इस साइड में दिया रहता है। अगर आप स्मार्टफोन भी यूज करते हैं तो उसमें हैच का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद क्या करना होगा आपको, जो भी आपका सिम में है, यानी अगर वन पे है, अगर स्मार्टफोन में आप चेक करना चाहते हैं यानी चेक कर रहे हैं, अगर वन पे है तो वन को सिलेक्ट कीजिए, अगर टू पे है तो टू वाले पर सिलेक्ट कर लीजिए सिम को। अगर इसमें भी, जब अगर डबल सिम लगाए रहिएगा अगर छोटा वाले फ़ोन में भी, तो उसमें भी क्या होगा कि दो का ऑप्शन आएगा, तो जिसमें आपका सिम है तो उसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ओके पर प्रेस कर देना है, यानी ओके डायल कर देना है इसको, जैसे डायल किया जाता है नंबर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मिल रहा है फ्री प्रिविलेज वॉल, यानी VOL यानी बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। एमबी जो है मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो ये हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है एमबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 1024 MB यहाँ पे मेरा बचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 1024 MB बचा हुआ है, और ये जो एक्सपायरी होगा 3 फरवरी 2020 में, यानी अभी जनवरी चल रहा है बट फरवरी में मेरा ये जो MB है एक्सपायर हो जाएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी कि कैसे और किस प्रकार से MB चेक किया जाता है। अगर और भी, मतलब मैं अभी एक ही को एग्जांपल दिया हूँ, मैं और डिस्क्रिप्शन में 2-3 नंबर दे दूंगा, अगर इससे नहीं होगा तो आपको लेटेस्ट वर्जन आते अपडेट होते रहते हैं, तो वहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से, और अलग अलग प्रकार से हमेशा आता रहता है। तो मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं चेंज करता रहूँगा, और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप कभी भी लाइफ टाइम तक ये वीडियो देख करके आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कैसे और किस प्रकार से एमबी को चेक किया जाता है। तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं उस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जाकर जरूर करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही।